Hello friends, so let's talk about this question which came from JEE Main 2016. JEE Main 2016 का ये question है और question देखते हैं पहले the heats of combustion of carbon and carbon monoxide are this and this respectively. अब heat of combustion पहले तो आप ये देखिए heat of combustion हमारे को किस किस की दी गई है. मैं equations लिखने लगा हूँ basic equations देखिए. पहले जो heat of combustion दी गई है वो carbon की दी गई है. carbon की heat of combustion का मतलब क्या होता है देखिए. combustion जो है वो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. इसका मतलब कंबस्टन में हमेशा एनर्जी निकलती है. अब एनर्जी निकलेगी भैया तो डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आएगा और इन्होंने नेगेटिव ही दिया हुआ. एंड एक बात और, जो हीट ऑफ कंबस्टन बेटा डिफाइंड होती है वो एक मोल के लिए डिफाइंड होती है. इट इज डिफाइंड फॉर वन मोल. अब देखिए मैंने कार्बन का यहां एक ही मोल जलाया है राइट. सो हीट ऑफ कंबस्टन जो ये कार्बन की दी गई है, ये मैंने हीट ऑफ कंबस्टन लिख दिया है. ये जो कार्बन की दी गई है वो दी गई है -393.5 किलो जूल पर मोल. ये मैंने लिख दिया राइट. सो इट इज -393.5 एंड देन जो हीट ऑफ कंबस्टन दिया गया है वो दिया गया है कार्बन मोनोक्साइड का. कार्बन मोनोक्साइड का हीट ऑफ कंबस्टन क्या दिया गया है वो देखिए. वो कैसे लिखूंगा मैं. नाउ दिस इज कार्बन मोनोक्साइड इन गैसियस स्टेट. हीट ऑफ कंबस्टन मीन्स इसको इसकी पूरी कंबस्टन करनी है, इसको पूरा ऑक्सीडाइज करना है. पूरा ऑक्सीडाइज करके क्या बनाऊंगा मैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा. तो इसका जो हीट ऑफ कंबस्टन दिया गया है दैट इज गिवन एज -283.5 राइट. सो दीज टू वैल्यूज, ये दोनों ही वैल्यूज किलो जूल पर मोल में, ये दोनों ही वैल्यूज किलो जूल पर मोल में गिवन है. अब क्वेश्चन क्या पूछा है. नाउ द क्वेश्चन इज डिमांडिंग दैट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड पर मोल. देखिए अब यहां तो इन्होंने बहुत कुछ क्लियर कर दिया, साफ लिख ही दिया पर मोल. वैसे भी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो डिफाइंड ही बेटे एक मोल के लिए होता है. हीट ऑफ फॉर्मेशन इज डिफाइंड फॉर वन मोल. देखिए मेरी बात सुनिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है बाय डेफिनेशन. इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्मड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. अगर मेरे को हीट ऑफ फॉर्मेशन कार्बन मोनोक्साइड का निकालना है, इसका मतलब भाई साहब कार्बन मोनोक्साइड का ना एक मोल बनना चाहिए. कार्बन मोनोक्साइड का एक मोल बनना चाहिए और किससे बनना चाहिए, अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से. अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए. नाउ दिस रिएक्शन इज डिपिक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड राइट. और यहां इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा मैं उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड कहूंगा. मतलब इस रिएक्शन के दौरान जो भी एनर्जी आएगी या जाएगी दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड. अब देखते हैं कि हम यहां तक पहुंचे कैसे. देखिए आंसर इन्होंने दिया हुआ है -110.5 एंड हम देखते हैं कि क्या ये बाकी आंसर अचीव हो पाता है, आ पाता है. अब बेटा ये दो इक्वेशन 1 एंड 2, दीज टू इक्वेशन दे आर गिवन टू अस. ये हमारा एम है, मोटिव है, मकसद है. हम यहां पर हेसेस लॉ की हेल्प ले सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, जो दोनों इक्वेशंस गिवन हैं बेटा इन दोनों इक्वेशंस को मैनिपुलेट करके इस इक्वेशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. अब आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो मेरे पास है इनमें दोनों इक्वेशंस में कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और जो इक्वेशन हमें चाहिए मतलब कि जो एम है उसमें कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड का नामो निशान नहीं है. सो मैं क्या करने लगा हूं, मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बेटे सब्ट्रैक्ट करने लगा हूं. सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, 1 माइनस 2 अगर मैं कर दूंगा, ये देखिए अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा दिस विल गेट सब्ट्रैक्ट. ये आ जाएगा कार्बन इन सॉलिड स्टेट, ये आ जाएगा मेरे पास कार्बन सॉलिड स्टेट माइनस, दिस इज माइनस CO इन गैसियस स्टेट. उसके बाद प्लस O2 माइनस हाफ O2, प्लस O2 माइनस हाफ O2 इज प्लस हाफ O2 एंड दिस गिव्स जीरो, इस तरफ जीरो राइट. नाउ फर्दर आई कैन मैनिपुलेट इट लाइक दिस, कार्बन इन सॉलिड स्टेट प्लस हाफ O2 इन गैसियस स्टेट, CO उधर ले जाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा CO इन गैसियस स्टेट. अब आप देखिए क्या हम इसी इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं जो हमारा मकसद था कि हम उसी इक्वेशन तक पहुंच गए. जी हाँ पहुंच गए. अब यहां तक पहुंचने के लिए मेरे को दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ा, मेरे को दोनों इक्वेशन को बेटे सब्ट्रैक्ट करना पड़ा. तो जो इनके डेल्टा एच की वैल्यूज हैं वो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. सो डेल्टा एच की वैल्यूज दिल ऑल्सो गेट सब्ट्रैक्टेड, -393.5 माइनस
minus 283.5, so this will come out to be minus 393.5 plus 283.5. So this is 0, this is 0, this is 1, this is 1, so it is minus 110. So enthalpy of formation of carbon monoxide जो आएगा वो ये आना चाहिए. It should be minus 110. So मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद option में it was minus 110.5. Maybe जो मैंने option लिखी थी शायद book में वो गलत हो. लेकिन actually जो enthalpy of formation आना चाहिए वो ये आना चाहिए. It should be minus 110. So this is the enthalpy of formation of carbon monoxide. This is the actual way of doing such questions. इन questions को करने का जो सही तरीका है वो ये है, right? इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था. जो डाटा क्वेश्चन में गिवन था मैंने पहले दो ही क्वेश्चंस वो लिखी, उसके बाद एम लिखा, फिर देखा इसी क्वेश्चन में मेरे को क्या नहीं चाहिए, मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया और अपने मकसद तक पहुंच गया. थैंक्स वेरी मच फॉर बीइंग विद मी. टेक केयर. बाय बाय.